सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप कंप्यूटर में हार्डवेयर का कोर्स करके महीने में 10 या 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आवर टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने बिजनेस शुरू करने के लिए तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वो है उस बिजनेस के बारे में नॉलेज। मैंने बहुत सारे बिजनेस किए हैं, बहुत सारे बिजनेस में लॉस खाए हैं, बस यही एक बिजनेस है जहाँ प्रॉफिट मुझे दिखा है। सिर्फ प्रॉफिट है, सिर्फ प्रॉफिट, ये कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस में। तो सबसे पहले आपको इस कंप्यूटर रिपेयर का जो नॉलेज है ये आपको गेन करना है। जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं वहाँ से आप एक कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर लीजिए। ये कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स 6 से 1 साल, मतलब 6 महीने से 1 साल का होता है। तो सबसे पहले आप ये कोर्स पूरा कर लीजिए। आप ये कोर्स करते हुए भी ये बिजनेस कर सकते हैं, मैंने खुद किया है, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप करने के बाद ये बिजनेस में उतरे। क्योंकि मैंने जब बिजनेस पहला शुरू किया था बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम मेरे को दिखाई दिया कि मैंने पहले उन प्रॉब्लम को हैंडल नहीं किया था। कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम आते हैं जो आप पहले नहीं देखे होंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स पूरा कर लीजिए। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करने के बाद जो दूसरा स्टेप है वो है उस चीज़ को प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, या अगर कंप्यूटर नहीं है तो अगर दोस्त का कोई कंप्यूटर है उसमें जाके थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आता है तीसरे स्टेप में। तीसरा जो स्टेप है ये इस बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, यह बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाता है उस बारे में। मतलब बिजनेस का, आपका जो बिजनेस है कंप्यूटर सर्विसिंग का, एडवर्टाइज करना है। तो एडवर्टाइज करने के लिए मैंने जो रास्ता देखा था, मतलब मैंने जो किया था वो, तो एक दिन अखबार के अंदर मुझे एक हैंडविल दिखाई दिया, मतलब एक छोटा सा हैंडविल पैम्फलेट या पोस्टर, छोटा छोटे वाला जो पोस्टर होते हैं वो उन अखबार के अंदर था। तो मेरे को भी ये आइडिया आया कि चलो काम करते हैं, मैं भी ऐसे हैंडविल्स बना के, मतलब हैंडविल्स प्रिंट करके अखबार के अंदर डलवा के आता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास घर में एक प्रिंटर पड़ा हुआ था, एक छोटा सा प्रिंटर, तब उसमें ही मैंने 500 पेज प्रिंट करना शुरू कर दिया उसी दिन। फिर अगले दिन सुबह मैं चला गया उन लोगों के पास जो ये अखबार के अंदर ये सब डालते हैं। जब मैं डलवाने के लिए गया अखबार के अंदर तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये चार्ज होता है इसके लिए, तो उनको 100 रुपये दे के आया, वो डलवा के लोगों तक पहुंचा दिए। तो मुझे लगा कि मैंने तो 500 पेज डलवा दिया, अब 5 कॉल तो आ ही जाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचने लगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो किसी भी बिजनेस में आप देख लीजिए, अगर 1000 कस्टमर के सामने आप एक प्रोडक्ट पेश करते हैं तो उनमें से हार्डली एक ही कस्टमर होता है जो आपसे वो प्रोडक्ट खरीदे। ऐसा नहीं होता कि आपने 1000 को दिया, दिखाया वो प्रोडक्ट और 100-200 लोग खरीद ले गए, ऐसा नहीं होता। तो ये होगा बाद में, होगा अभी नहीं होगा, शुरू के टाइम में नहीं होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने 500 पेज डलवा के आए, मुझे एक भी कॉल नहीं आया,
पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन पे भी मुझे कॉल नहीं। मुझे लगा कि फिर से ज़रूरत है पैम्फलेट छपाने की, प्रिंट करवाने की और फिर से डलवाने की। तो मैंने फिर से प्रिंट करवाया, फिर से डलवा के आया 500 पीस। फिर मुझे जाके 3-4 दिनों के बाद एक कॉल आया और मैंने कहा कि मेरे पास दुकान भी नहीं था, तो उन कस्टमर को मैंने कहा कि मैं हमारे यहाँ होम सर्विस है, हम यहाँ होम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो होम सर्विस के लिए मैं चला गया। कंप्यूटर रिपेयर करके मुझे पहले दिन बस 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस में होता ये है कि ज़्यादा पार्ट्स नहीं लगते, ज़्यादा पार्ट्स या ज़्यादा कंप्यूटर के जो हार्डवेयर का जो सामान है वो ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जो आपका जो इनकम होता है वो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होता है। ऐसा है कंप्यूटर रिपेयर बिजनेस में। तो इसी तरह बार बार मैंने पैम्फलेट छपाए, पैम्फलेट वो अखबार के अंदर डलवाए, फिर से नए कस्टमर आए, ऐसे करते 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 आज मेरे पास एक दुकान है। आज मैं कंप्यूटर सेल भी कर सकता हूँ, मैं सेल भी करता भी हूँ और रिपेयर भी करता हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा कहानी कि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे ये काम करना है, क्या कैसे ऐसा होता है। तो अब मुझे सब समझ में आ गया है। दोस्तों पहले मैंने एक और बिजनेस में मैं फेल हो चुका हूँ। मैंने जॉब भी किया है, बहुत सारे बिजनेस भी किया है। तो एक बिजनेस मैंने किया था ऑनलाइन स्टोर का। तो कैसे ऑनलाइन स्टोर बिल्ड करते हैं, कैसे उसको पब्लिश करते हैं, कैसे ऑनलाइन स्टोर वर्क करता है, वो मैं आपको सब बता दूंगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो ये ऑनलाइन स्टोर के बारे में होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस 3 ही स्टेप में होगा। सबसे पहला स्टेप कि आपको कंप्यूटर सीख लेना है। दूसरा स्टेप ये कंप्यूटर रिपेयर का जो कोर्स है आपने जो किया इसको प्रैक्टिस करना है। तीसरे में आता है एडवर्टाइजिंग बस। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जब कस्टमर से आप पहली बार डील कर रहे होंगे या पहली बार आप जब कोई कस्टमर कॉल कर रहा होगा आपको, तो उनसे बस कॉन्फिडेंस में बात कीजिएगा कि ऐसे कि आपने बहुत सारे कंप्यूटर पहले भी रिपेयर किए हुए। ऐसा उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आपने आप ये काम पहले बार कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही। तो अगर इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।